हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस नई वीडियो में हम जानेंगे कि हम कोटक महिंद्रा बैंक में कार्डलेस कैश विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। बिना एटीएम कार्ड के भी आप जो कि एटीएम मशीन से पैसे है जो कि विड्रॉल कर सकते हो। किसी प्रकार के आपको वर्चुअल एटीएम की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार के फिजिकल एटीएम की जरूरत नहीं है। चाहे आपके पास हो या ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो कि कार्डलेस कैश विड्रॉल कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ ए टू जेड कि आप ये जो कि कार्डलेस कैश विड्रॉल पेमेंट है जो कि कैसे कर सकते हो। साथ ही साथ इसकी लिमिटेशन क्या है वो भी आपको बताऊंगा, आप कितने पैसे जो कि एक बार में निकाल सकते हैं वो भी आप सभी को बताऊंगा इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। हम बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कार्डलेस कैश विड्रॉल करने के लिए आपको सबसे पहले तो प्रोसेस स्टार्ट करना होगा अपने फोन में। आपको अपने फोन में ओपन करना होगा कोटक महिंद्रा ऐप जो कि है कोटक 811 ऐप। अगर जो भी यूजर नए हैं इसमें तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा होगा इसमें, तो आप इसमें मात्र 5 मिनट में अपना रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं। अगर रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा है तो आई बटन में आप सभी के लिए लिंक डाल दूंगा, आप उस लिंक पर जाकर क्लिक करके जो कि सीख सकते हैं आप कोटक 811 में जो कि रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। तो जैसे आप इस ऐप को ओपन करते हो आपको सिंपली जो कि यहाँ पे लॉगिन करना होगा। चाहो तो आप अपना एम पिन डाल लो या फिर अपना फिंगरप्रिंट डाल के सिंपली लॉगिन कर लोगे। तो जैसे ही आप ऐप में आ जाते हो देख सकते हो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर लिखा है, यहाँ पर आपका बैलेंस दिख जाएगा। अगर आप व्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस आपका दिख जाएगा। और आपको सिंपली है जो कि नीचे आ जाना होगा कार्डलेस कैश विड्रॉल करने के लिए। आपको यहाँ पर आ जाना होगा, बैंक का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें ऑप्शन मिल रहा होगा आपको सी मोर। तो इस सी मोर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करते हैं इसमें तो यहाँ पर देखिए आपको जो कि काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर देखिए आपको पे एंड ट्रांसफर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा कार्डलेस कैश विड्रॉल, ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर ये जो कि आपको क्लिक करना होगा। तो कई लोगों को यहाँ पर ये ऑप्शन ना मिले तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सिंपली बैंक आना है, यहाँ पर सर्च का आइकन दिख रहा होगा, सर्च के आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है कार्डलेस, आप ऐसे लिख के जो कि सर्च कर लोगे तो देखिए यहाँ पर जैसे आप सर्च करते हो आप पे टॉप पे दिखा देगा कार्डलेस विड्रॉल, तो इस पर ही आप क्लिक कर लोगे। इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए आपके सामने डायरेक्ट है जो कि ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ये ओपन हो जाता है आपको कार्डलेस कैश विड्रॉल करना है। तो आपको जो कि सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है देखिए विड्रॉल कैश एट कोटक एटीएम सेल्फ, इस वाले ऑप्शन पे जो कि क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए आपके सामने है जो कि आपका अकाउंट नंबर, आपका बैंक बैलेंस आ चुका है। नीचे आपको एंटर करना होगा अपना अमाउंट, और मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 5,000 रुपये आप एंटर कर सकते हैं, 100 रुपये से लेके 5,000 रुपये, तो जितना भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो कि 100 रुपये डाल देता हूँ, 100 रुपये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपको एक सेट करना होगा सेंडर कोड। सेंडर कोड आप 4 डिजिट का यहाँ पर कोई भी सेंड कर सकते हो, जो भी आप बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक कोड बना लेता हूँ पहले। तो देखिए जैसे ही आप कोड बना लेते हो अपना तो यहाँ पर है जो कि आपको कंटिन्यू वाला बटन जो दिख रहा है, इस कंटिन्यू वाले बटन पे है जो कि आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक करते हो उसके बाद देखिए आपसे जो कि ये कन्फर्म कर रहा है डिटेल, तो आपको जो कि इसे यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा। और एक्सेप्ट करने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो यहाँ पर आपको देना होगा एक एम पिन, जो भी आपका एम पिन हो आपके ऐप का वो आप यहाँ पे डाल दोगे। तो मैंने यहाँ पे एम पिन डाल दिया, देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग ले रहा है कोटक बैंक की तरफ से। तो आपको इसमें वेट कर लेना है। आप देखिए योर कार्डलेस विड्रॉल रिक्वेस्ट हैज़ बिन प्लेस, तो आपकी रिक्वेस्ट है जो कि सक्सेसफुली प्लेस हो गई है। अब आपको चले जाना होगा किसी भी एक कोटक एटीएम पे। उससे पहले बता दूं आपके फ़ोन पे जो कि एसएमएस के द्वारा कोड भेजा जाएगा, तो वो अभी तक कोड हमारा आया नहीं है, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं पहले, क्योंकि उस कोड का भी होना ज़रूरी है जब भी आपकी ट्रांजैक्शन है जो कि कंप्लीट होगी। तो फ्रेंड्स, फाइनली ये जो कि अपना कोड आ चुका है जो कि बैंक की तरफ से अभी आया है, और ये जो आप नंबर देख रहे हैं यही अपना कोड है। और आप सभी को बता दूं ये कोड भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने के लिए, और जो आपने अपने है जो कि रिसीवर कोड बनाया था सेंडर कोड वो भी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दोनों कोडों को है जो कि आपको ध्यान रखना है, मैसेज डिलीट वगैरह नहीं करने हैं। तो आप सभी को बता देता हूँ जैसे ही आप जो कि इनिशिएट कर देते हो अपनी कार्डलेस कैश विड्रॉल, आपके बैंक अकाउंट से जो कि आपके पैसे काट लिए जाते हैं। चाहे आप 100 रुपये करो, 500 करो या 5,000 करो, जितना भी अमाउंट है जो कि आपने यहाँ पे सेट करा है उतना पैसा है जो कि आपके अकाउंट से कट जाएगा। जैसे कि मैं आप सभी को अपने हिस्ट्री में ले जाकर दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो कि तुरंत से तुरंत मेरे 100 रुपये जो कि कट गए हैं जैसे ये जो कि हमने अपना पैसा इनिशिएट करा था।
तो अब आपको बता देता हूँ कि अगर बाई चांस आपका पैसा जैसे कि यहाँ से कट गया है और आप चाहते हो कि अब आप ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहते हो, मतलब आपका काम हो चुका है, पैसा आप नहीं निकालना चाहते हो एटीएम से, तो आप सभी को बता दूँ टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, जो भी पैसा आपका कट है वो आपको जो कि रिफंड मिल जाता है। तो अगर आप ये कैंसिल करना चाहते हो तो आपको वापस से जो कि वही प्रोसेस स्टार्ट करना होगा जो आपने पहले करा था। आपको सिंपली जो कि सर्च करना होगा यहाँ पर फिर से कार्डलेस कैश विड्रॉल, क्योंकि कई लोग हैं जो कि कैंसिल करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, इसलिए मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो ध्यान होगा आपने यहीं से जो कि अपना इनिशिएट करा था पेमेंट, तो यहीं पर ही आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा ट्रांसफ़र हिस्ट्री, इस वाले ऑप्शन पे जो कि आप क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप इस पे जो कि क्लिक करते हो तो देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अपने अकाउंट को सेलेक्ट करें, जैसे ही अकाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद आपको जो कि यहाँ पे डेट सेलेक्ट करनी होगी, जिस भी डेट को जो कि आपने ट्रांजैक्शन इनिशिएट करी थी वही डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। सिंपली सर्च वाला निशान दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सर्च कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि हमने एक पेमेंट इनिशिएट करी है, यहीं पर एक ऑप्शन मिल रहा होगा व्यू एंड कैंसिल, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट तो इनिशिएट हो गई सक्सेसफुली पर विड्रॉल पेंडिंग है। अब यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको कैंसिल वाला ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो कि है पेमेंट कैंसिल हो जाएगी, पर हमें ये कैंसिल नहीं करना है, हमें विड्रॉल ही करना है। तो अब हम चलते हैं सीधा कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम पे। तो आपको बता दूं कार्डलेस कैश विड्रॉल कर रहे हो तो आपको कोटक बैंक के एटीएम पे जाना होगा, अदर किसी बैंक के एटीएम पे जाते हो तो आपका काम है जो कि नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम पे। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने एटीएम पे। तो आप सभी को बता दूं यहाँ पर आप कोटक महिंद्रा एटीएम पे आओगे तो यहीं पर ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए कार्डलेस कैश विड्रॉल, अगर आपके में ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कोई सा भी आप बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली है जो कि आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, यहाँ पर जो बटन दिख रहा है इसको दबा के। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो यहाँ पर जो कि आपको डालना होगा अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर वो डालना है जो कि आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है, वही मोबाइल नंबर है जो कि यहाँ पर डालना होगा। तो हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके सिंपली जो कन्फर्म वाला बटन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इस कन्फर्म वाले ऑप्शन को जो कि सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करते हैं आप। तो यहाँ पर देखिए अब आपसे कह रहा है सेंडर कोड, तो ध्यान होगा आपने एक कोड बनाया था 4 अंकों का, वही आपका सेंडर कोड था, यहाँ पर फिल करके सबमिट करेंगे। तो आपको अब डालना होगा यहाँ पर सेकंड पिन, यानी कि जो आपको अपने एसएमएस में प्राप्त हुआ है वो वाला पिन है जो कि अब आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो देख लिया यहाँ पे दोनों पिन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस हियर पे आप क्लिक करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है क्या आप जो कि इस ट्रांजैक्शन के प्रिंट निकालना चाहते हो, तो हम यस कर देते हैं। अब आपको एंटर करना होगा अपना अमाउंट, जो भी आपने अमाउंट सेलेक्ट करा है, और कन्फर्म वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जैसे आप कन्फर्म कर देते हैं यहाँ पर जो कि आपकी डिटेल्स है जो कि चेक करी जा रही है और आपकी ट्रांजैक्शन है जो कि स्टार्ट हो चुकी है। तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई है, अब हम वेट कर लेते हैं अपने कैश के बाहर आने का। देख सकते हैं हमने किसी प्रकार का एटीएम वगैरह भी इंसर्ट नहीं करा है मशीन में। तो फाइनली देखिए बिना एटीएम के जो कि अपना पैसा है जो कि विड्रॉल हो गया है और किसी प्रकार के हमने एटीएम वगैरह का कोई यूज़ नहीं कराया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को यूज़ करके आप इजीली अपने है जो कि बैंक से पैसे विड्रॉल कर सकते हैं और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि बैंक आपसे चार्ज नहीं करता है। और आपको बता दूं इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 1 टाइम में जो कि आप 5000 रुपीज़ है जो कि इससे निकाल सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।